जैकेट कटिंग करने के लिए सबसे पहले बेसिक बॉडी ग्राफ का डायग्राम करके लेंगे। बेसिक बॉडी ग्राफ का डायग्राम करना है सबसे पहले। जो हम लोग ये जैकेट बना रहे हैं वो साधारण हम लोग 10 इंच का बना रहे हैं तैयार। तो 1 इंच हम लोग 1 इंच मार्जिन लेंगे, 10 इंच का तैयार हो जाएगा जैकेट। इसके बाद आर्म होल्ड है, बीच चेस्ट है उसका 4 पार्ट 5 इंचेस, माइनस हाफ करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट हमारा 4 पार्ट है 5 इंचेस, उसमें 1 इंच लूजिंग और 1/2 इंच मार्जिन। इसमें मार्जिन हम लोग कम देंगे। शोल्डर मेजरमेंट 4.5 इंच लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बैक आर्म होल का शेप देंगे। वेस्ट मेजरमेंट 20 है, ये छोटा किड्स का है तो ये वेस्ट और चेस्ट सेम है, तो हम लोग यहाँ वेस्ट राउंड का 4 पार्ट 5 इंच, 1 इंच लूजिंग, 1/2 इंच मार्जिन। आप इसको चाहिए तो हल्का सा शेप ऐसे क्रॉस शेप में दे सकते हो। हल्का सा हम क्रॉस शेप दिखाते हैं। नेक विड्थ 2 इंचेस, शोल्डर स्लोप 1/2 इंच। फ्रंट आर्म होल करने के लिए 1/2 इंच अंदर लेंगे स्ट्रेट लाइन से, शोल्डर टिप को जोड़ेंगे, फ्रंट आर्म होल शेप दिया। बैक नेक 1 इंच, ये बैक कटिंग हो गया। बैक आर्म होल काटते हैं, फ्रंट के लिए हम लोग अलग से पेपर ड्राइंग बनाएंगे। ये बैक कटिंग हो गया, बेसिक डायग्राम हमने किया है, अभी फ्रंट कटिंग करते हैं। अभी पहले बैक कटिंग फैब्रिक के ऊपर कट करके उसके बाद फ्रंट का कटिंग करेंगे। आप इसके लिए जो चाहिए वो फैब्रिक ले सकते हो, जैसे कॉटन, चेक्स वगैरह। और फैब्रिक लेंथ के डबल लगता है, जितना लेंथ है उससे डबल। अगर छोटी छोटा बेबी का है जितना लेंथ है उतना फैब्रिक लगेगा, इसमें लाइनिंग भी जरूर लगेगा। ये जितना है उतना हम लोग ड्रॉ करके कटिंग करेंगे। लाइनिंग जैसे हमने मेन फैब्रिक कटिंग किया है वैसे ही सेम कटिंग करना है। ये बैक का कटिंग हो गया, अभी फ्रंट कटिंग करना है। इसके ऊपर ही हम लोग फ्रंट का अभी ड्राइंग करते हैं। फ्रंट का नेक 4 इंच के आसपास लेंगे। अभी जैकेट में काफ़ी टाइप के जैकेट होते हैं, अभी मैं आपको राउंड शेप का जैकेट दिखा रही हूँ। तो राउंड शेप करना है हमें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। अभी जब हम लोग पहनेंगे, ये सेंटर फ्रंट है, ये आपको एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप होना चाहिए तो आप ये बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ बीच में डिस्टेंस चाहिए तो हल्का सा आप अंदर से ले सकते हो इस तरह से। तो ये डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 1/2 इंच से लेके 1.5 इंच तक। मैंने 1/2 इंच ही छोड़ा है। फ्रंट आर्म होल कटिंग करना है। ये फ्रंट का कटिंग तैयार हो गया, अभी मेन फैब्रिक एंड अस्तर फैब्रिक कटिंग करना है। ये बैक और फ्रंट कटिंग हो गया, अभी स्टिचिंग करना सिर्फ दिखाते हैं।
ये फ्रंट के दो पार्ट है, इसमें हम अस्तर रखेंगे और यहाँ से ये राउंड सिलेंगे और आर्म होल सिलेंगे यहाँ से ये और ये। राउंड में बीच बीच में कट्स देना है, आर्म होल में भी कट्स देना है। ये हमने एक साइड तैयार किया, ऐसे ही दूसरी साइड तैयार करके लेना है। ये हमारा बैक है, राइट साइड, राइट साइड, ये राइट साइड के ऊपर राइट साइड ऐसे रखना है और थोड़ा इधर हम कच्चा काम करके लेते हैं। ये जो शोल्डर है दोनों साइड पाव पाव इंच जो सिलाई मार्जिन है वो रहना चाहिए और बीच में ये आपको कच्चा करके लेना है। यहाँ भी आर्म होल के नीचे और ये जो बॉटम है वहां से नीचे पाव पाव इंच छोड़ के इधर भी आप कच्चा करके ले लो। यहाँ मेन है, यहाँ पे पाव इंच रहना चाहिए, यहाँ भी पाव इंच रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कच्चा करके ले रहे हैं। जैसे ये किया वैसे ही दूसरा साइड भी करके लेना है। दोनों साइड मैंने पाव इंच छोड़ के ये सिल के लिया है। ये जो लाइनिंग था वो लाइनिंग इसके ऊपर रखना है और पिन करके लेना है। अभी मैंने पूरा ये पैक करके लिया है पिनअप से। यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह से इधर आना है, यहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई के लिए और इस तरह से वो सिलाई करके लेना है। यहाँ आपके चारों पीस आएंगे बैक फ्रंट, यहाँ सिर्फ आर्म होल आएगा बैक का, यहाँ सिर्फ गला, यहाँ सिर्फ दो चारों लेयर शोल्डर के, इस तरह से आपको सिल के लेना है। और यहाँ आपको लॉक करना है, फिर यहाँ भी लॉक करना है ताकि यहाँ से हम लोग बाहर पल्टी करें। पिन निकालना है और आर्म होल में नोचेस देना है, गले में भी कट्स लेना है और जो कॉर्नर है वहां भी आपको कट्स देना है। अभी ये जो हमने ओपन रखा है इतना स्पेस उससे वो पलटी करके लेना है। इस तरह से जैकेट पलटी होने के बाद दिखेगा। अभी चाहिए तो आपको इसमें टॉप सिलाई डाल सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ जो ओपन है यहाँ आप हाथ से कच्चे टाके डाल के ले सकते हो। ये ओपन जो है वो हाथ से टाके डाल के लेना है। इस तरह से फिनिशिंग हो गया। ये जैकेट, ये जो कच्चा किया है वो भी आप सब निकाल दो। ये जैकेट जो है अंदर से भी पहन सकते हो, बाहर से भी पहन सकते हो, तो इसके लिए आप ये जैकेट को अंदर का कपड़ा और बाहर का कपड़ा अच्छा कपड़ा लेके दो टाइप का जैकेट बना सकते हो, दो कलर का। तो ये हमारा जैकेट सिल के तैयार है। इस तरह से आप अलग अलग शेप के जैकेट भी तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने राउंड दिया ऐसे एक ओवरलैप करके एक बटन वाला बना सकते हो, वेस्टकोट भी बना सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे बाकी के जैकेट भी खाने की। ये हो गया राउंड शेप का जैकेट तैयार।
इस तरह से आप अलग अलग शेप में जैकेट्स बना सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।